तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और ये देखिए मेरे टिकोमा पे कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, पूरा पेड़ जो है फूलों से भरा हुआ है। और इसके अलावा ये कनाफ हिबिस्कस जिसका मैंने शॉर्ट शेयर किया था, ये शाम होते होते देखिए बंद होना शुरू हो गए और बंद होके भी कितने खूबसूरत ही लग रहे हैं। देखिए तो आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नया सब्जेक्ट लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। तो आज की वीडियो ऐसे कोई ख़ास सब्जेक्ट अलग से है नहीं, मैं आज कुछ हार्वेस्टिंग के लिए आई थी ऊपर, और ये देखिए मैं आपको आपके साथ अपनी हार्वेस्टिंग शेयर करना चाहती थी। तो ये देखिए, और मैं पिछली एक वीडियो में मैंने कहा था कि बंदर मुझे जो है बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनके परेशान करने के बावजूद देखिए कुछ कुछ सब्जियां जो थोड़ी बहुत हैं मैंने अपने घर के लिए कर रखी हैं। ये देखिए मेरी ये लोबिया थी, ये मैं गांव से कुछ लेके आई थी सीड, तो यहाँ वहाँ मैंने कुछ भी डाल दिए थे। तो देखिए इन पे फ्रूटिंग अब शुरू हो गई है, और कुछ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बंदरों ने भी तोड़े हैं, खाए हैं बीच में, लेकिन फाइनली कुछ कुछ मेरे लिए बच गया है। तो ये देखिए, और लोबिया के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सेम भी बीच में लगी हुई है, ये बीच में पत्ते आ रहे हैं तो शायद आपको वीडियो साफ ना दिख रहा हो। ये देखिए काफ़ी ऊपर ऊपर लगा हुआ है, और ये मैं तोड़ तोड़ के डालती जा रही हूँ उसमें। सेम और लोबिया जो है मैंने कई जगह लगा रखी है, तो थोड़ी 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 करती हूँ तो मुझे मिल जाती है एक दो टाइम की सब्जी। बहुत ऊपर ऊपर जा रखा है, वैसे बंदरों की नज़र में सेम की फलियां भी आती हैं तो उनको भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं, वो भी खा जाते हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में जो छोटी छोटी लगी होती हैं उनको भी तोड़ लेती हूँ कि बंदरों के हाथ में ना आए। कद्दूका कहीं लगी हो तो मैं तोड़ लूँ उनको। वैसे सेम का कलर जो होता है बीच बीच में वो पत्तों जैसा होता है, इसलिए थोड़ा नज़र कम आती है, तो मुझे भी कई बार तोड़ते वक्त दिखती नहीं, और बाद में जब तोड़ के ले जाती हूँ तो तब दूसरे दिन दिखती हूँ। और इस वाले पर भी मेरी काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन ये बंदरों के आने जाने का रास्ता है यहाँ से, तो उन्होंने देखिए सब साफ़ कर रखी है इससे। ये यहाँ बीच में भी इक्का दुक्का लोबिया लगी हुई हैं, तो ये भी बीच में लगी हुई थी काफ़ी सारी, लेकिन बंदरों ने खा ली थी इसे भी। तो सेम और लोबिया तो थोड़ी सी मैंने तोड़ ली है, जितनी भी मुझे दिखी है, या बीच बीच में जंगल जंगल जैसा हो रखा है, पता नहीं चल रही है। और इसके अलावा मुझे एक आध नींबू की भी ज़रूरत होगी, तो मैं नींबू भी तोड़ के डाल रही हूँ। इसके अलावा आज थोड़े से मैं हरे पत्ते भी हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी सब्ज़ी चाहिए हरे पत्तों वाली, और फ्राई करके जो हर बनती है थोड़ी कम तेल में, तो वो भी तोड़ रही हूँ मैं। वैसे मैंने ये पालक और मूली मिला के बोए थे, पालक मूली भी ये मैंने इसलिए नहीं लगाई थी, मैंने सोचा था मैं इनको पत्तों के रूप में यूज़ करूँगी, मतलब पत्तों की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन पालक अब कम दिख रहा, मूली मूली ज़्यादा दिख रही है, तो ये मैंने पत्तों के लिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा गहरे उसमें डाली नहीं है, ये मुझे सिर्फ पत्ते चाहिए थे, कम ये कम गहरे उसमें भी डाल रखी, फिर भी देखिए इसमें मूली जो है छोटी सी मूली लग रही है, मैं इसे उखाड़ ही लेती हूँ, सब्जी के बीच में डाल के काट के डालने के काम आएगी, तो ये बहुत टेस्टी लगती है उस टाइम सब्जी के बीच में जब इसके पीसेस आते हैं। तो ये मेरी हार्वेस्टिंग बिल्कुल रेडी है अब, तो बस ये देखिए, और ये बीन और क्या सेम, और इसके अलावा ये मेरी पत्तों की हार्वेस्टिंग, आज के लिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है।
और जाते जाते आपको ये भी दिखा दूँ जिसको मैंने पिछले हार्वेस्टिंग में दिखाया था, मालाबार स्पिनिच। और ये दोबारा से देखिए तैयार हो रहा है हार्वेस्टिंग के लिए फिर से। तो आपको कैसी लगी हार्वेस्टिंग बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।